वेलकम टू आवर चैनल रिमीज गार्डन। दोस्तों, मार्च का महीना आने वाला है, यानी कि गर्मियों के दिन आने वाले हैं। आप सभी को पता ही होगा कि गर्मियों के दिन में दिन कितने बड़े होते हैं, तो आप उस खाली समय में क्या कर सकते हैं वो मैं आज बताने वाली हूँ। पिछले वीडियो में हमने फूल वाले पौधे लगाना सिखाया था, आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप मार्च के महीने में कौन कौन से सब्जियाँ आप घर में लगा सकते हैं, वो भी गमले में, और अपने खाली समय को आप ये करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। मार्च के महीने में वाइन वाली तमाम सब्जियाँ लगाई जाती हैं। आप कुकुम्बर या खीरा भी लगा सकते हैं। ये बीज से उगता है और इसे बहुत सारे जगह की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 10 से 12 इंच के गमले हैं तो आप इसे अपनी बालकनी में भी ट्रेल करा सकते हैं। अगर आप सीधे ज़मीन पर लगा रहे हैं तो लताओं को फैलने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए। छड़ी का सहारा या रस्सी का सहारा काफ़ी होता है। खूब सारा खीरा फलेगा जो आपके और आपके परिवार की ना सिर्फ सेहत निखारेगा, सौंदर्य भी निखारेगा। गर्मियों के दिन में जब आप थक के घर आते हैं तो आँखों पर खीरे का स्लाइस रखना अच्छा लगता है, पर खीरा अगर ताज़ा हो तो उसका फ़ायदा ज़्यादा दिखता है। खीरा कुकुरबिटेसी फैमिली का पौधा होता है और अक्सर कुकुरबिटेसी फैमिली में कड़वे फल आ जाते हैं, तो अगर आपकी खीरे की वाइन में कड़वा खीरा आता है तो पौधे को जड़ से निकाल दें, क्योंकि कड़वा खीरा सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इस फैमिली के और भी मेंबर्स हैं, जैसे आर्मेनियन कुकुम्बर, जिसे ककड़ी कहा जाता है, वो भी आप अभी उगा सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों के लिए आप मिर्ची ज़रूर उगाइए। हालांकि मिर्ची सर्दी में भी उगती है, पर सबसे बेहतरीन मिर्ची गर्म मौसम में उगाई जाती है। हरी मिर्च, लाल मिर्च सभी एक ही पौधे में आते हैं। मिर्च पकने के बाद लाल हो जाती है और सूखी लाल मिर्च में से बीज निकालकर आप आसानी से उसके पौधे उगा सकते हैं। 8 से 10 इंच के गमले में मिर्ची का एक पौधा रखें। मिर्ची को खूब सारी धूप और पानी कम चाहिए होता है। ज़्यादा पानी से इसके फूल झड़ जाते हैं और फल नहीं बनते। गर्मियों के मौसम में लताओं वाली तमाम सब्जियां लगती हैं, मैंने पहले भी बताया। आप लौकी या कद्दू भी अभी लगा सकते हैं, इसमें खूब फलन होगा। अभी आप अगर बीज इसके डाल देंगे तो एक हफ्ते के अंदर उससे पौधा उग आएगा। अगर आप सीधे तौर पर ज़मीन में इसके बीज लगा रहे हैं तो प्रत्येक क्यारी में 3 बीज डालिए, इससे फलन ज़्यादा होता है। अगर गमले में लगा रहे हैं तो 12 से 15 इंच का गमला इस्तेमाल कीजिए और उसमें भी 3 बीज ही लगाइए। 3 पौधे रन करेंगे साथ में तो अच्छे फल आएंगे। इसमें वाटरिंग की जहाँ तक बात है तो रोज़ाना आपको सुबह शाम इसमें पानी देना होगा। गमला वेल ड्रेंड होना चाहिए, यानी कि पानी तो आप दें पर वो जड़ों में जमा नहीं रहना चाहिए, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाना चाहिए। इसकी वाइन खूब फैलती है, लोग इसके पत्तों का भी इस्तेमाल खाने में करते हैं। लौकी में मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। फीमेल फ्लावर ही ग्रो करने के बाद फल में तब्दील होता है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा मेल फ्लावर आ रहे हैं तो आपको 3G ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। ग्राफ्टिंग पर वीडियो हमने पहले भी डाल रखा है। अभी आप करेला के भी बीज ज़रूर लगाइए। करेला को बिटर गार्ड भी कहा जाता है और इसकी बहुत सारी वैरायटी इंडिया में मिलती है। अलग अलग रंग और आकार के करेले फलते हैं। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, खास करके मधुमेह के रोगियों के लिए। जिन्हें पिंपल्स आ रहे हैं या जिन्हें घाव आदि की समस्या होती है, उन्हें भी करेला ज़रूर खाना चाहिए। आप अलग अलग रेसिपीज इनकी बना के खा सकते हैं, आपकी मर्जी। आप भुंजिया खा रहे हैं या भरवा या फिर सुक्तो, सेहत के लिए तो सभी अच्छे होते हैं। आप यार्डलॉन्ग बीन या बोड़ी भी लगा सकते हैं, इसे स्ट्रिंग बीन्स भी कहा जाता है। बीन्स एक ऐसा पौधा है जो गर्मियों को काफ़ी टॉलरेट करता है, पानी कम भी मिले तो भी ये अच्छे से ग्रो करता है और इसमें खूब फलन होता है। ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है। तो आपके घर में अगर किन्हीं को हृदय रोग की समस्या हो तो उन्हें ये ज़रूर खाना चाहिए, और पेट के लिए भी अच्छा है, वेट लॉस के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसे चवली या बोड़ो जैसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इसकी भी कई किस्में होती हैं। बीन्स की बात कर रहे हैं तो हम ग्रीन बीन्स या फ्रेंच बीन को कैसे भूल सकते हैं। ये भी बेहद सेहतमंद और सबसे पॉपुलर बीन्स हैं।
इनको हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छी बात है कि आप इसको बहुत कम स्पेस में उगा सकते हैं। 8 से 10 इंच के गमले में आसानी से ये चल जाता है। इसकी वाइन 1 से 1.5 हाथ ही लंबी होती है और उसमें गुच्छे में फलन होता है। आप गर्मियों की शुरुआत में ब्रिंजल, बैंगन या एग प्लांट का पौधा भी ज़रूर लगाइए। हालांकि ये सर्दियों में भी होता है, पर इन्हें गर्मियों में फलन चाहिए तो अभी आपको इसके नए पौधे लगाने पड़ेंगे। कांटे वाले बैंगन की भी किस्में आती हैं जिसे लोग जानवरों से सेफ रहने के लिए लगाते हैं, पर कई लोगों का मानना है कि कांटे वाले बैंगन का स्वाद ज़्यादा बेहतरीन होता है। बैंगन की कई सारी वैरायटीज़ होती हैं और आप इसकी कोई भी किस्म उगा सकते हैं। गर्मियों के शुरुआत में यानी मार्च के महीने में आपको रीज गार्ड के बीज जरूर लगाने चाहिए। ये वाइन वाली सब्जी है, बहुत तेज़ी से फैलती है और इसमें फलन भी खूब सारा होता है। आप अगर हाइब्रिड सीड लगाएंगे तो फलों का आकार भी बड़ा होगा और वाइन कम रहेगी, यानी आपको छोटी वाइन में ही बहुत सारे फल मिलेंगे। इनका बेहतरीन स्वाद होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वेट लॉस में काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं और ठंडी तासीर इनकी होती है। इनका रायता भी बहुत स्वादिष्ट बनता है, सब्जी भी इनकी बनाई जाती है। गमले में लगा रहे हैं तो 12 से 15 इंच के गमले में इसके 4 बीज लगाएं और धूप में इसकी वाइन को फैलने दें। अगर आपके घर में धूप अच्छी आती है तो टमाटर लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये 12 महीने फलने वाला है और अभी जो आप टमाटर लगाएंगे ये गर्मियों में खूब फलेगा। आमतौर से गर्मी में टमाटर में फलन ज़्यादा होता है क्योंकि इसे खूब सारी धूप चाहिए। हाँ, पानी सिर्फ तभी दीजिए जब जड़ों की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। ऐसा करेंगे तो आपको लगातार तोड़ने के लिए टमाटर मिलते रहेंगे। जब पौधे में टमाटर थोड़ा नारंगी रंग का या ऑरेंज कलर का हो जाए तब तोड़ेंगे तो वो बहुत जल्दी पक जाएगा। पूरा कच्चा टमाटर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है और तोड़ने के बाद भी टमाटर पक के लाल होते हैं। टमाटर घर में जो टमाटर उपलब्ध हैं उसके बीजों से भी उगाया जा सकता है, और अगर आपने सर्दियों में इसके पौधे लगाए थे तो उसकी कटिंग से भी टमाटर का पौधा तैयार कर सकते हैं। यह पौधे तैयार करने का सबसे तेज प्रोसेस है। इसके अलावा रेडिस यानी कि मूली उगाई जा सकती है। अभी आप मूली के बीज लगाएंगे तो अगले 1.5 से 2 महीने में आपको तैयार मूली खाने के लिए मिलेगी। मूली के पत्ते भी एडिबल होते हैं और इसकी वैरायटीज भी आती है। सफ़ेद के अलावा लाल रंग की मूली भी खाई जाती है। मूली उगाने के लिए आपको बड़े आकार के गमलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये छोटे गमले में भी चल जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें प्लास्टिक की ख़राब यूज्ड बॉटल्स में भी उगा सकते हैं। थोड़े से स्पेस में उगने वाली अच्छी सब्जी मानी जाती है। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? मुझे यकीन है कि आप भी इसी तरह उगाएंगे सब्जियां मार्च के महीनों में, और साथ ही अपने दोस्तों, अपने परिवार को भी ये वीडियो शेयर करके उन्हें भी कुछ मार्च के महीनों में सिखाएंगे। तो मैं तो चली अगले वीडियो की तैयारी में। आप जरूर गमले में सब्जी उगाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, जो कि हम लोग तैयारी करके और बना सकते हैं।